ये हमारे स्टार है, ये हमारा जो LN2 का लेवल है वो मेंटेन है या नहीं, ये यानी कि जो हमारे पूरे स्टार हैं वो इसमें डिप होने चाहिए तभी जाके इसका लेवल मेंटेन होगा। तो ये हम मेरी रॉड से इसका हम इसका लेवल चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि हमारा लेवल कितना है। ये लेवल चेक कर लेते हैं तो डालेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा करनी है कि इन्फेक्शन हम ना डालें इसमें, क्योंकि एक बार अगर यूट्रस में इन्फेक्शन चली गई तो इसका मतलब आगे उसकी कंसेप्शन में, आगे उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए नया यूज़ करते हैं। इससे जो पुराना मेथड था वो स्पेक्ट्रम वजाना को खोल के स्पेक्लम से उसमें डालते थे, लेकिन उसमें क्या ये शीट मैंने यूज़ की एनिमल में, उसके बाद इस शीट को उतार के फेंक दिया। अब नई इंसेमिनेशन में नई शीट यूज़ होगी ताकि जो प्रीवियस एनिमल में जो इन्फेक्शन थी वो दूसरे एनिमल में ना जाए, ट्रांसमिट ना। डॉक्टर साहब आपके साथ थोड़ी इंफेक्शन करके फिर आपको ये प्रेक्टाफी भी करनी है और जो नोट भी करना है। हाँ, जो AI जो इनके सब्जेक्ट में आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये क्या बताएंगे कि हाउ कि वो नस्लों में लड़ाई करा करते थे एंड द डिपेंड इसके पास घोड़ों की अच्छी नस्ल आया भी हाथ से हमारे पास नहीं है, हम हमेशा आ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि जब अपोजिट कैंप में मैं डॉक्टर केकम खान वेटनरी असिस्टेंट सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दरदुनिया, आज कॉलेज के फाइनल स्टूडेंट्स का आज एक एक्सपोजर टूर था यहाँ पे, उनकी डिटेल जो हमें बताई रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसपोर्टेशन, ये इनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं बच्चों को बताया गया और फर्स्ट हैंड जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर था वो भी इनको दिया गया। जब भी कॉलेज के बच्चों को या किसी को भी ज़रूरत होगी तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू। मैं प्रोफेसर फतेह मोहम्मद वासी, मैं चाह रही था इस ग्रुप का कि जो स्टूडेंट्स आज वेटनरी हॉस्पिटल दरा गई थी, एक्चुअली ये जो नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है उसी के सिलसिले में बच्चों को हम लेके गए थे। ये साइंस के बच्चे हैं, इनका सिलेबस में का भी ये हिस्सा है और साथ में जो स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है बच्चों को डिफरेंट टेक्निक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ों का देने का है, तो उसी सिलसिले में आज हम गए थे। हमारे हमने दो लोगों से बात करके रखी थी जिसमें डॉक्टर अकीक अहमद खान साहब और डॉक्टर एजाज अली खान जो कि एक रिनोड सर्जन हैं और डॉक्टर एजाज अली जो हैं वेटनरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो वहाँ पे बच्चों ने प्रैक्टिकली जो है वो देखा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, सुरोगेसी और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो क्या है और कौन सी इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक इसमें यूज़ होती है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर MS शाह साहब बड़े पार्टिकुलर हैं कि बच्चों को, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की स्कीम है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई जाएँ, उनको डिफरेंट स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम करवाए जाएं ताकि बच्चे जो है वो प्राइवेट जॉब्स में और डिफरेंट फील्ड्स में अपनी एक्सीलेंस शो कर सकें। तो उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स कॉलेज में भी कराए, अब बच्चों के कई ऐसे जो करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे चल रहे हैं उसी का हिस्सा था। हमारे कॉलेज से साइंस के जो BSc के बच्चे थे वो गए थे, जिसमें हमारे CR वसीम अकरम मेरे साथ खड़े हैं और इसके साथ दूसरे बच्चे थे सारे, और उन्होंने जाकर आज वहाँ पे ये प्रैक्टिकल अटेंड किए और लेक्चर जो उन्होंने स्पेशल लेक्चर डिलीवर किए, की नोट जो स्पीकर्स थे आज के प्रोग्राम के, डॉक्टर अकीक अहमद खान रिनोड सर्जन और जनाब एजाज अली जो रिनोड वेटनरी गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो उसे हमारे बच्चे जो है काफ़ी आज इस लेक्चर के बाद उन्होंने बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एक नॉलेज गेन किया है और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखा है। बहुत शुक्रिया।